हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेके आई एक न्यूज़ के ऊपर में चर्चा करेंगे। दरअसल आज जो है यूजीसी का जो है एक मीटिंग चल रहा था, जिसमें तय होना था कि जो कि फाइनल ईयर के छात्र हैं उनका एग्ज़ाम जो है होगा या फिर उन्हें जो है बिना एग्ज़ाम दिए ही जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसको लेके जो है फैसला आ चुका है, तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि डी यू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों इसको लेके जो है फैसला आ चुका है, यूजीसी ने जो है इसको लेके फैसला दे दिया है अपना। और इसमें जो है यही कहा है कि ये जो एग्ज़ाम होगा, जो भी छात्रों का एग्ज़ाम होने वाला था फाइनल ईयर का, वो जो है यूजीसी लेंगे ही, यानी कि उन्होंने जो है कोई बदलाव नहीं किया है। आपका एग्ज़ाम जिस समय में होने वाला था वो एग्ज़ाम होगा ही। हालाँकि यूजीसी ने ये कहा है कि उनका एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन होना था, उसको लेके जो है विश्वविद्यालय अब ये तय करे कि उनका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन लिया जाएगा या फिर ऑनलाइन जो है ऑफलाइन जो है लिया जाए। तो इसी को लेके जो है न्यूज़ है, तो एक बार हम वो न्यूज़ पढ़ लेते हैं आखिर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है और इसमें जो है साफ साफ कहा गया है कि यूजीसी ने जो है अपना फैसला सुना दिया है और उन्होंने जो है एग्ज़ाम को बरकरार रखा है, यानी कि जो है छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा और एग्ज़ाम जो है आपका जैसे होने वाला था ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो है जैसे विश्वविद्यालय चाहे वो अभी भी जो है करवा सकता है। इसको लेके जो है यूजीसी ने जो है कोई भी बदलाव नहीं किया है। ये सिफारिश जो है जैसे पहले किया गया था वैसे ही बरकरार रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हालांकि 29 अप्रैल को जो है यूनिवर्सिटी ने जो है यूजीसी जो है एक गाइडलाइंस जारी किया गया था, जिसमें कहा था कि एग्ज़ाम जो है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो है करवाया जाए छात्रों का। लेकिन एग्ज़ाम जो है इसको लेके जो है टाल दिया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, और ये जो है अब 10 तारीख से होने वाला था। तो अब नहीं पता हमें कि ये 10 तारीख से ही होगा कि नहीं होगा, लेकिन यूजीसी ने जो है अपना फैसला जो है सुना दिया है कि वो एग्ज़ाम जो है अब होगा ही किसी भी हालत में, वो चाहे जो है सेप्टेम्बर में ले या फिर जब भी ले। और इसमें जो है एक बात यह भी कहा गया कि जो भी छात्र एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अभी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वो जो है अपना एग्ज़ाम जो है सितंबर में भी जो है दोबारा दे सकते हैं। और जो भी छात्र उसमें अगर फेल होते हैं या दिक्कत होता है उसमें एग्ज़ाम को लेके, तो वो जो है दोबारा उसे जो है एक और मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये साफ साफ देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का जो है न्यूज़ है, जो कि कुछ देर पहले ही जो है जारी किया गया है। तो ये जो है आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ कह दिया है। तो ये जो गाइडलाइंस है ये जो है हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर उन्हीं के द्वारा जो है जारी किया गया था, यानी कि वही जो है चेयरमैन थे इस सिफारिश की, इस ये जो मीटिंग होने वाला था उसका। तो उन्होंने जो है साफ साफ ये जो है रोक दिया है कि आपका एग्ज़ाम जो है अब दोबारा होगा ही, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, इसको विश्वविद्यालय को तय करना है। लेकिन आपका एग्ज़ाम जो कि प्रमोट करने के लिए जो छात्र और शिक्षक दबाव बना रहे थे वो जो है इन्होंने नकार दिया है। तो अब ऐसे में सवाल है कि आपका एग्ज़ाम जो है कैसे लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा या फिर ऑफलाइन लिया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन अगर लिया भी जाएगा तो अभी जो है ओपन बुक एग्ज़ाम को लेके जो है मॉक टेस्ट हो रहा था, तो आप देख चुके हैं कि कैसे मॉक टेस्ट में जो है ज़्यादातर छात्र जो हैं अपना ठीक से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएँ। जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन करवा पाएँ वो जो है अपना क्वेश्चन पेपर ठीक से डाउनलोड नहीं कर पाए या फिर जो है अपलोड नहीं कर पाए। ऐसे में जो है सवाल उठता है कि क्या एग्ज़ाम जब होगा ऑनलाइन तो वो क्या ठीक से हो पाएगा, छात्र ठीक से दे पाएंगे। और अगर ऑनलाइन नहीं भी होता है, जब भी ऑफलाइन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि अभी जो है दिल्ली में और भी देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर मामला दिन भर दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में जो है ऑफलाइन तो संभव ही नहीं है। तो दोस्तों यही था आज का न्यूज़। बाकी इसको लेके आप क्या सोचते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल पाए कि उनका एग्ज़ाम जो है अब होगा ही किसी भी हालत में। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।